Bill Cut. हेलो फ्रेंड्स, दिस इज लव 96 हियर। तो मैं आज आया हूँ विरार में। विरार के यहाँ पे इसका शोरूम था, तो आप देख सकते हो कि पीछे मेरे बाइक खड़ी है। तो मोटो व्लॉग करने के पहले मैं चाहता हूँ कि गाड़ी के थोड़े फीचर्स और गाड़ी के बारे में जान ले कि गाड़ी एक्चुअल में कैसी है, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था फोटोज़ के थ्रू। तो आज हम देखेंगे रियलिटी में गाड़ी सामने से कैसा है। तो गाड़ी की फ्रंट साइड की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलता है एक छोटा सा प्यारा सा वाइजर। यहाँ पे है दो छोटी छोटी रनिंग लाइट जिसके अंदर लगी हुई है LEDs, और नीचे आते ही आपको यहाँ पे मिलेगा एक प्यारा सा गोल ऐसा हेडलैम्प जिसमें है ये DRL, और बीच में आपको मिलता है बॉक्स साइज में प्रोजेक्टर। लाइट की अगर बात की जाए तो पीछे भी इसको है प्यारी सी लाइट, जहाँ पे ये LED लाइट्स और यहाँ पे टर्निंग लाइट इतनी प्यारी सी लग रही हुई है। गाड़ी के आगे साइड बहुत अच्छे और प्यारे से सस्पेंशन है, और उसके साथ ही हमें मिलता है डिस्क ब्रेक, जो कि अभी आते समय मैंने रास्ते में देखा था कि बहुत प्यारा इसका सॉफ्टनेस है। और अगर पीछे की सस्पेंशन की बात की जाए, गाड़ी में हमें दो सस्पेंशन मिलते हैं, हालांकि सब स्कूटीज़ में अगर देखा जाए तो खाली वन मोनो सस्पेंशन मिलता है। तो इसको पीछे भी दो सस्पेंशन और डिस्क ब्रेक अवेलेबल है। में लगा हुआ है बेहतरीन सा एक प्यारा सा डिस्प्ले, जिसमें यहाँ पे एक रेडी चार्जिंग का, टर्निंग लाइट्स का और अपर लाइट का, बैटरी कितनी है, टेम्परेचर और किलोमीटर वोल्टेज, इसके बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही साथ अगर नीचे की के बारे में अपन जानकारी लेंगे तो इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स है, जहाँ पे आप वहाँ से आपकी गाड़ी की डिक्की भी ओपन कर सकते हो, गाड़ी ऑन ऑफ सब कर सकते हो। वापस आपको यहाँ पे एक मिलता है USB चार्जर, मतलब यहाँ से आप USB से थ्रू मोबाइल चार्ज भी कर सकते हो। ये जो प्यारा सा रेड बटन है ना, ये जो रेड बटन है वो ऑन नहीं, बल्कि ये दबा के अगर आप एक्सी दोगे तो गाड़ी रिवर्स में चले जाएगा। यहाँ पे है हॉर्न, टर्निंग लाइट, जो बेसिक बाकी सब गाड़ियों में आता है वही है। तो हम देखते हैं इसका डिक्की का स्पेस कितना है। तो डिक्की में ठीक ठाक जगह है, एक छोटी सी बैग और आपके छोटे वो डॉक्यूमेंट्स। इन हेलमेट अगर मैं इसमें बिठाने जाऊँ और डिक्की बंद करूँ तो शायद नहीं होगा, क्योंकि इसका स्पेस हल्का सा छोटा है। और गाड़ी में यहाँ पे आपको मिलेगा एक छोटा सा स्टैंड जिसपे आप थैली और कुछ भी मतलब रख सकते हो। यहाँ पे आप मोबाइल रख सकते हो, जहाँ पे मोबाइल रख के आप यहाँ पे चार्ज कर सकते हो। और बाइक यहाँ से आप डायरेक्टली चार्ज भी कर सकते हो, और यहाँ से आप डायरेक्टली बैटरी रिमूव करके घर पे लेके जा सकते हो। और यहाँ पे भी आपको एक मीटर मिलेगा पे आपका गाड़ी में कितना बैटरी बचा हुआ है वो आपको पता चल जाएगा। आप देख सकते हो कि गाड़ी की रेंज अभी 40-52, और लास्ट अभी मैंने थोड़ी देर पहले चलाया था तभी 61 तक गई थी। तो अभी गाड़ी का स्टिल स्पीड है 62, आप देख सकते हो। पिलियन के साथ मैं गाड़ी भगा रहा हूँ, तो देखते हैं ये गाड़ी कितना भाग सकती है। तो 59, 61 विथ पिलियन। तो फ्रेंड्स, आप लोग ने देखा ही होगा कि इसका टॉप स्पीड कितना है, तो 62 तक इसका टॉप स्पीड जा रहा था थर्ड पे। तो ये था मैं सोलो राइडर, लेकिन जब मेरे साथ पिलियन था तभी भी मैंने इसको एक बार ट्राई किया था, तो तभी इसका टॉप स्पीड मुझे कुछ 55-60 तक तभी भी ये जा रही थी। और बाकी अगर इसकी स्पेस की बात करें तो मैंने ये फुल लोडेड बैग यहाँ पे रखी हुई है, तो आप देख सकते हो कि कितना स्पेस इसमें अभी बाकी है। अगर फुल लोडेड बैग आप इधर कंफर्टेबली रख सकते हो, लेकिन इसमें एक दूसरा बात ये कि आप पैर रखते हो तो बहुत ही ऊपर उठा के रखना पड़ता है, तभी इतना ऊपर आता है। लेकिन टर्निंग में आप देख सकते हो, हैंडल में फुल टर्न मारो, इतना तो प्रॉब्लमेटिक नहीं है। और मेरी
हाइट है कुछ 5.5 इंच, तो मेरे 5.5 इंच में ही आप देख सकते हो इतना स्पेस है। और इसके सस्पेंशन बहुत ही प्यारे हैं और 5 फुट तक के इंसान भी इसमें आराम से पैर नीचे टेका सकते हैं फुल्ली। तो ये बहुत ही कंफर्टेबल गाड़ी है और एकदम सॉफ्ट है, एकदम स्मूथ है, गाड़ी में किसी भी तरह की आवाज़ नहीं आती है, तो मुझे तो ये बहुत प्यारी लगी। तो शोरूम में चल के उनसे थोड़ी बातें करते हैं इसकी सर्विस के बारे में, कि इसकी सर्विस कहाँ पे मिलेगी, ये मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे होती है, और मुझसे कुछ छोटी भी अगर इन्फॉर्मेशन होगी तो वो उनसे हम ज़रूर लेंगे। फ्रेंड्स सारी टेस्टिंग हो गई है, आपने देख ही लिया। तो हमारे साथ है हर्षिल, तो ये भी कुछ बाकी के फीचर्स बताएंगे, जो कि मैंने बोला था कि कुछ मेरे से अगर रह गए रहेंगे तो फीचर्स हर्षिल हमें बता देंगे अभी। तो हर्षिल और क्या ऐसे फीचर्स है इसमें जो मेरे से रह गए? ये गाड़ी में रिमोट कंट्रोल है। ओके, ये वाला आप दबाओगे तो आपका गाड़ी अगर पार्किंग में होगा और गाड़ी ढूंढना होगा तो ये फीचर से इजी हो जाएगा। ओके, मतलब अलार्म का फीचर्स ऐसा है कि गाड़ी कहाँ पे है आपको अगर पता नहीं, अगर अलार्म का आप बटन दबा दोगे तो गाड़ी का सायरन बजेगा कुछ इस तरह से। एक बार दिखाओगे तो कुछ इस तरह से साउंड आएगी। और क्या फीचर्स है इसके अंदर? सेकंड की है वो कीलेस इग्निशन है, दो बार आप दबाओगे आपका गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा। ओके, मैं यहाँ पे एक बार दिखाना चाहूंगा, एक बार दिखा दो। जैसे बंद है अभी विदाउट की स्टार्ट हो गया, तो आप देख सकते हो कि गाड़ी यहाँ पे विदाउट की स्टार्ट हो गई है। जैसे कि अगर मैं एक्सी दूंगा तो टायर यहाँ पे घूमना चालू हो जाएगा। और क्या फीचर्स है? और ये है सिक्योरिटी लॉक फीचर्स। ओके, तो आप वाला वो दबाओगे फिर कोई भी आपकी गाड़ी को अगर टच भी करता है तो ये बजना चालू हो जाएगा फर्स्ट राउंड। सेकंड राउंड में थोड़ा ज़्यादा बजेगा और जब थर्ड राउंड होगा तो मोटर जाम हो जाएगा। देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन गाड़ी आगे नहीं जा रहा है। ये बहुत ही बढ़िया फीचर है। और क्या है इसके बारे में स्पेसिफिकेशन? और फुट रेस्ट है, थोड़े स्टाइलिश है, धीरे से दबाओगे तो बंद हो जाएगा और प्रेस करने पे खुल जाएगा। वाह, और गाड़ी में रिवर्स है जैसे आपको बताया ही होगा, तो वो भी एक एडिशनल फीचर्स हो जाता है। और डबल डिस्क ब्रेक है, ट्यूबलेस है। मेन तो इसका बैटरी है जो ओकाया का लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी। लिथियम आयन और लिथियम आयन फॉस्फेट में बहुत फ़र्क है और ये प्राइस रेंज में आपको लिथियम आयन फॉस्फेट का ये फर्स्ट कंपनी है जिसने इंट्रोड्यूस किया है, वो भी 2000 चार्जिंग साइकिल्स का उसका लाइफ होता है। यानी आपको रोज़ एक बार चार्ज करोगे तो भी 5.5 से 6 साल ये बैटरी आपका आराम से चल जाएगा और इसका 3 इयर्स का वारंटी भी आता है। इन्होंने अभी जस्ट बताया कि इसमें एक रिवर्स फीचर्स है जो मैंने खाली आपको बोला है बटन के ज़रिए, लेकिन मैं इसको लाइव देखना चाहता हूँ और आपको भी दिखाना चाहता हूँ। तो ज़रा देखिएगा कि रिवर्स गाड़ी कैसे जाती है। तो ये टोटली रिवर्स गाड़ी जा रहा है, आपको लगता होगा टांगों से, तो मैं इसको शायद आपको डबल स्टैंड पे भी लगा के एक बार दिखा दूंगा कि व्हील आगे पीछे किस तरह से हो रहा है। तो पहले नॉर्मल, हाँ अभी नॉर्मल में देखो, ये नॉर्मल में अभी आगे की साइड गाड़ी जा रही है, अब रिवर्स, अब देख सकते हो अभी रिवर्स में गाड़ी पीछे। ये रिवर्स कितने स्पीड तक जा सकती है? ये 4 to 5 किलोमीटर। ओके, बाकी सारे पॉइंट्स तो यहाँ पे अभी हम लोग ने क्लियर की है। हाँ, और इसके बारे में भी मैंने आपको जानकारी दी ही है, तो बाकी की सारी बातें अभी हम शॉप पे करते हैं। जो इम्पोर्टेंस होगी सर्विस के बारे में, जैसे कि मैंने आपको बोला कि उनको मैं जाके पूछूंगा सर्विस के बारे में, इसकी सर्विस कहाँ पे होगी, कैसे होगी, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से है, तो हम सब जाके अभी वहाँ पे बात करते हैं। हम लोग आ चुके हैं शॉप में, तो यहाँ पे हम जानेंगे बाकी के और चीज़ों के बारे में जो मेरे क्वेश्चंस थे उनके बारे में। तो सीधा कैमरा इनके पास लेके जाता हूँ और मैं क्वेश्चंस पूछना चालू करता हूँ। सर सर्विस के बारे में कैसा है? सर्विस डीलर पॉइंट पे मिलेगा, एवरी डीलर के वहाँ पे दोनों सर्विस फ्री रहता है। मतलब आपके यहाँ से अगर ये शोरूम से गाड़ी बाय किया तो यहाँ पे सर्विस, यहाँ पे सर्विस हम लोग का सर्विस सेंटर है। ओके, तो आप जहाँ से गाड़ी बाय करोगे, समझो अभी ये विरार है, विरार में ये नौकर, राइट, नौकर करके ये शोरूम है विरार में, बोलिंग नाके पे और आगाशी रोड को लग के है। तो अगर आप यहाँ से गाड़ी बाय करते हो तो आपको यहाँ पे गाड़ी का सर्विस मिल जाएगा। Yeah.